दोस्तों, नए मैनेजर्स आमतौर पे इस डिलेमा का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि बहुत एक्साइटेड होते हैं मैनेजर बन के, और वो ये फील करते हैं कि हमारे पास बहुत सारी पावर्स आ रही हैं। जाहिर है कि पावर्स आती भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन आपको अथॉरिटी देती है, इसमें कोई शक नहीं है। जब ये सारी पावर्स आपके पास आती हैं तो बाज़ार मैनेजर्स अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और बहुत ही बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करने लगते हैं। तो टीम में कैसे इंप्रेशन देती है कि हमारा मैनेजर तो हमारे लिए सब कुछ कर देगा, हमारे पैसे भी बढ़ा देगा, हमारे इंसेंटिव हो जाएंगे, हमारी वर्क प्लेस बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब वो आसमान से तारे तोड़ लाने वाली बातें आप अगर कर लेते हैं और फिर आप उन्हें पूरा नहीं कर सकते, और आपको अंदाज़ा होता है कि जो आपने वादे किए हैं वो उस तरीके से पूरे नहीं किए जा सकते। आपने तो उनसे वादे किए इस उम्मीद पर कि ये लोग अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे और आप वादे पूरे करेंगे, लेकिन वो अपने टाइम के ऊपर अपनी एक्सपेक्टेशंस लेके आपके सामने आ जाएंगे, और जब आप वो पूरे नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी लीडरशिप पे इम्पैक्ट आ सकता है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से पूछें, अपने सीनियर से, अपने एचआर वालों से, अपने मैनेजमेंट से कि एज ए मैनेजर आपकी क्या अथॉरिटीज़ हैं, और फिर उन अथॉरिटीज़ के अंदर रहते हुए जो डिसीजन आप कर सकते हैं या जो कमिटमेंट्स आप कर सकते हैं वो करें, और जो कमिटमेंट भी आप करें उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, कमिटमेंट अगर बहुत छोटी सी भी हो लेकिन वो पूरी हो रही हो तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, और अगर आप बहुत बड़ी बड़ी ओवरवेलमिंग कमिटमेंट्स कर लेते हैं तो उससे इंप्रेशन तो आपके शुरू में अच्छा पड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब वो पूरी नहीं होगी तो आपकी क्रेडिबिलिटी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। हम लोग बाज़ार ऐसा भी करते हैं कि ऐसी कमिटमेंट्स जो कि हम कर सकते हैं और हम उसे पूरा भी कर सकते हैं वो भी हम पूरा नहीं करते, तो ये चीज़ जो है इसको इसके बारे में आप थोड़ा मुख्तार रहें कि कमिटमेंट वही करें जो आपकी अथॉरिटी में है, और जब आप कर लें और लोग आपको रिजल्ट अचीव करके दे दें तो इस कमिटमेंट को ज़रूर पूरा करें।